नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। मुसलमानों को किसी भी हालत में। लालू के बयान पर आग बबूला हुए सम्राट चौधरी, दे जाली खुली चुनौती। बिहार में तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया है, अब चौथे चरण की तैयारी में सभी नेता लग गए हैं। इसी क्रम में कल भोजपुर में आर के सिंह के समर्थन में एनडीए के नेताओं ने रैली की। इस रैली में सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे। सभी नेताओं ने आर के सिंह को जिताने की अपील की। राज्य के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद के मुसलमानों को आरक्षण देने वाले बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे लोग पिछड़ों को आरक्षण का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। राजग ऐसा नहीं होने देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए कोई पिछड़ों को आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। वे मंगलवार को आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में भाजपा प्रत्याशी राजकुमार सिंह के नामांकन के बाद आयोजित सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के कारण भारत का नाम देश दुनिया में आगे बढ़ा है। राजद के लिए आरक्षण का मतलब केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। लालटेन युग खत्म हो गया है और अब LED बल्ब का दौर है। मटन मछली पर फिर बोले सम्राट चौधरी। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद सावन में मटन बनाकर राहुल गांधी को खिलाते हैं, वहीं उनका बेटा तेजस्वी यादव नवरात्र में हेलीकॉप्टर में मछली खाता है। उन्होंने कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार में 7.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है और विधानसभा चुनाव 2025 तक 20 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। विजय सिन्हा ने मैं समीकरण पर बोला हमला। वही सभा में मौजूद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, इस बार कोई माय समीकरण काम नहीं आएगा। लालू परिवार किसी की इज्जत नहीं करता है। राम कृपाल यादव को अपमानित किया गया, यहाँ उन्हें सम्मान मिल रहा है। चिराग पासवान ने की आर के सिंह की तारीफ। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि आर के सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो दिल्ली में PM के बगल में बैठकर आरा की जनता के हित में काम करवा सकते हैं। उन्होंने यहाँ विकास किया है। चिराग ने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि आज वे होते तो इस मंच पर होते। उन्होंने जो आप लोगों के लिए किया है, राजग उम्मीदवार के पक्ष में एक एक वोट देकर उस मूल्य को चुकाना है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।